बैक अगेन आकाश। दिस इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स पे और क्वेरीज जो स्टॉक मार्केट को लेके आती हैं। बहुत सारी क्वेरीज हैं यार, क्या क्या बताऊँ आपको मैं। सबसे पहले जो बेसिक क्वेरीज होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी है, वो है भाई स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार है। ठीक है, सट्टा बाजार, कई सारे लोग इसको सट्टा बाजार भी बोलते हैं। ठीक है, शेयर बाजार को सट्टा बाजार बोलते हैं, पता नहीं क्यों। और वो एक क्वेरी जो सबसे बड़ी क्वेरी है। दूसरी चीज़ है मार्केट गिरता बढ़ता क्यों है, ये सब चीज़ें बहुत सारी क्वेरीज हैं, मैं इसके आंसर्स देना चाहूँगा। और उसके बाद हम लोग बेसिक्स वीडियो में जाएंगे, नेट बेसिक जो वीडियो होती है, ठीक है ना, उस पर भी जाएंगे हम लोग। देखो यार, सट्टा बाजार नहीं बोल सकते आप स्टॉक मार्केट को। पहली चीज़ मैं आपको इसका पॉइंट प्रूव करता हूँ। देखो, कोई भी स्टॉक है, शेयर है, या फिर कोई भी बिजनेस है, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। ठीक है, तो एक टाइम वो बढ़ेगा, एक टाइम उसका थोड़ा कम होगा, सेल्स कम होगी उसकी, उस हिसाब से उसका शेयर चलता है। तो इसको आप सट्टा बाजार नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं किसी भी स्टॉक में, तो आप इसलिए निवेश करते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि ये शेयर बढ़ने वाला है, उसके रीजंस होते हैं आपके। तो अगर आप बिना रीज़न के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप फेल होगे। देखो, फेल होगे और आप फिर क्या बोलोगे एंड में कि सट्टा बाजार है। तो फेल होने के रीजंस हैं स्टॉक मार्केट में, कई सारे लोग फेल हुए हैं, कई सारे लोग पास भी हुए हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो वॉरेन बफेट हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, वो ये बोलते हैं कि शेयर मार्केट में कोई पैसा गंवा नहीं सकता और कभी कोई नहीं गंवाता पैसा। और जो लोग बेवकूफ़ होते हैं वो लोग ही पैसा गंवाते हैं शेयर मार्केट में। मैं आपको एक सच्ची सच चीज़ बताता हूँ, क्योंकि अगर आप इंडेक्स देखो, क्योंकि सबसे पहले जो एक नया इन्वेस्टर होता है, नया पर्सन जो स्टॉक मार्केट में घुसना चाहता है, उसको सबसे पहले इंडेक्स को समझना होता है, जो है निफ्टी, अपना इंडिया का इंडेक्स है निफ्टी। तो आप निफ्टी को देखो, निफ्टी लॉन्ग टर्म में कभी भी उसने उसका ऐसा नहीं किया वो नीचे चला गया हो। एक दो साल के लिए क्रैश आया है मार्केट में, एक दो साल में मार्केट थोड़ा नीचे गया है, पर फिर वापस से उन्होंने रिकवर किया। और ये सब मार्केट की हाल है। कभी कभी बिजनेस भी आपका नहीं चलता है, किसी साल किसी ने बिजनेस खोला, उस साल कुछ अच्छे सेल्स नहीं हुई, उसके पास कस्टमर नहीं आए, तो ये हर एक बंदे के साथ होता है। ठीक है, तो ये आप नहीं बोल सकते कि ये मार्केट ये शेयर बाजार है, ये सट्टा बाजार है। तो सट्टा नहीं है यहाँ पास, लोग आते हैं सट्टा खेलते हैं बाजार में। उनको लगता है कि हम बहुत बड़े वो हैं और हम एक दिन में स्टॉक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कोई एक दिन का स्टॉक प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। एक हफ्ते दो महीने तीन महीने का एक आपका एक टाइम पीरियड होना चाहिए, जितने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, उसमें भी आपके पास स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए कि अगर मार्केट रिवर्सल पैटर्न मारता है तो आपको कैसे उसको हैंडल करना है। लोगों के पास स्ट्रैटेजी नहीं है और वो क्या आके बोलते हैं कि ये सट्टा बाजार है। मैं अपने जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जो भी क्लाइंट्स रहते हैं, मैं उनको हमेशा 5 अकाउंट्स की रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कभी भी अनसर्टेनिटी आएगी तो हम लोग दो तीन एक दो और जिनके पास एक्स्ट्रा अकाउंट होंगे उनसे भी हम लोग उनकी अलग पोजिशन बना के और हम उनको हर एक प्रकार के मार्केट से निकाल सकते हैं। ये हमारे अंदर टैलेंट होना चाहिए, ये आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास एक पर्सन होना चाहिए, आपको खुद एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी प्लानर होना चाहिए, जो लोग नहीं है। और लोग आके क्या बोलते हैं कि शेयर बाजार सट्टा बाजार, उनको पता नहीं होता है एक्चुअली में कुछ। वो जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको नॉलेज नहीं है शेयर बाजार के बारे में, वो बस आए थे, ठीक है ना, उन्होंने पैसा लगा दिया, उनको लगा कि ये लॉटरी सिस्टम है और वो मार खा के आ गए। अब आप सोचो ना यार, आप एग्ज़ाम, आपको पता नहीं है पढ़ के क्या जाना है, तो एग्ज़ाम कैसे दोगे, सिंपल सी एक क्वेश्चन है। तो मैं आपको सच बताऊं तो शेयर बाज़ार कोई सट्टा बाज़ार नहीं है। अगर आपको शेयर बाज़ार सीखना है या स्टॉक मार्केट को सीखना है तो आपको उसको स्टडी करना होगा, आपको समझना होगा कि क्यों ऊपर जाता है, क्यों नीचे जाता है, क्या रीज़न है। वो आपको समझने के लिए आपको कंपनी की ग्रोथ देखनी होगी, कंपनी की जो ग्रोथ होती है, जो उसके फंडामेंटल्स होते हैं, जो कंपनी है। जैसे मैं आपको सबसे बड़े मार्केट लीडर जो है ऑटो सेगमेंट में, मारुति सुजुकी, उनकी सेल्स हर साल अच्छी रहती है, उनका रिजल्ट अच्छा आता है कंपनी, इसलिए कंपनी हर साल ग्रो कर रही है, कंपनी डाउन ट्रेंड में नहीं जाती है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर आप ऐसी कंपनी को देखो, 50% स्टेक है उनका अपने बिजनेस में, 50% गाड़ियाँ जो हैं वो स्टॉक जो है मारुति सुजुकी की हैं इंडियन रोड्स में। तो ऐसे तरीके से आपको शेयर्स पिक करने होते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी जाके आपने उठा लिया और फिर गिर गया तो फिर आप बोलो आके कि यार सर गिर गया है हमारा और ये शेयर बाजार सट्टा बाजार है। तो ये लोग आके कर रहे हैं मार्केट में, और आपको बता दो अगर आप ऐसा करोगा, कोई भी करेगा, वो आपको यही आके बोलेगा। और क्या है,
फिर इस चक्कर में क्या है, मार्केट की जो है ना, जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रहा है वो कम होता जा रहा है। अगर आप देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FIs कितने ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, वो इसलिए कर रहे हैं, उन्हें पता है स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत सही फील्ड है और उससे आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं वो लोग। और इवन इन US आप देखो, अगर US स्टॉक एक्सचेंज देखो, नैसडैक को देखो आप, वहाँ बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। पर इंडिया में ये ट्रेंड अभी नया है, किसी नए प्रकार का बिजनेस है और इसमें नॉलेज बहुत चाहिए और इंडियन पीपल के पास नॉलेज नहीं है कहीं ना कहीं। मैं बिल्कुल कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात नहीं करूँगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनके पास नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, है बहुत दिमागदार लोग हैं पर उन्हें इस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है। ज़्यादातर लोगों को इंडियन में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, बहुत कम रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी काफ़ी सारा जो रैली है जो इन्वेस्टर्स की, जो काफ़ी सारे लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं वो आने वाले हैं, पर मैं जो आने चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, मैं उनको समझाना चाहूँगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो पॉइंट ये है कि बिना आप किसी नॉलेज के मार्केट में मत आओ, और बिना नॉलेज के अगर आपको आना है और आपको पैसे लगाने हैं मैं तो आप एक चीज़ पे पैसे लगाओ, दैट इज़ कॉल्ड निफ्टी। आप इंडेक्स पे पैसे लगाओ, इंडेक्स पे पैसे लगाओगे आपके पैसे जल्दी डूबेंगे नहीं। उस पर भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मत करो, शॉर्ट टर्म नहीं कि आप एक दो दिन के लिए इंडेक्स बाय कर लिए और सेल कर दी, नहीं, उसको कुछ दिन रखो, ठीक है। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो निकाल लो, प्रॉफिट आ रहा है तो बुक करो आप प्रॉफिट, पर लॉस में मत जाओ। इंडेक्स को विजन रखो, 1-2 महीने, 4 महीने, 1 साल का विजन रखो कि इंडेक्स पे इन्वेस्ट करो, या निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये जो इंडेक्स है इन पे आप पैसा लगाओ। इस पे अगर आप पैसा लगाओगे तो आपके पैसे जो है वो इन्वेस्ट जो करोगे ना वो डूबने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो स्टार्टिंग इन्वेस्टर्स हैं मैं उन्हें यही बोलता हूँ कि आप इंडेक्स पे पैसे आप इन्वेस्ट करो, तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएंगे। तो जो स्टार्टिंग इन्वेस्टर हो इंडेक्स में पैसे लगाने चाहिए। और जो फंडामेंटल्स आप सीखना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, जो कंपनी की कोई भी होती है उसको बैलेंस शीट्स को पढ़ो, बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट कितना हुआ कंपनी को, इस साल का प्रॉफिट कितना था, लास्ट ईयर कितना था, और कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या कर रही है कंपनी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया मारुति सुजुकी का, वैसे ही कई सारे अलग अलग सेक्टर्स है। बैंकिंग सेक्टर का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कई सारे बैंक्स हैं, HDFC बैंक इज़ माई फेवरेट बैंक और वो मेरा फेवरेट बैंक है। उसके पास काफ़ी अच्छा पैसा, उसके पास 5 लाख करोड़ का लगभग मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि SBI स्टेट बैंक, लोगों को लगता है कि स्टेट बैंक बहुत बड़ा बैंक है, उसके पास सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, पैसे, और बट मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा HDFC बैंक का है। और HDFC बैंक जो है वो काफ़ी अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहा है लास्ट 10-15 साल से, आप देखो तो उसका ग्राफ बहुत बढ़िया रहा है। वो स्टॉक 2000 से 30 रुपये से लेके 1800 और 1900 रुपये तक गया है स्टॉक, तो बहुत बढ़िया स्टॉक है HDFC बैंक। और मेरी 100% बाइंग रिकमेंडेशन है उस पर, कि अभी वो 2200 तक, 2100 तक आराम से अभी जाने वाला है इस रैली में। तो एक शॉर्ट एक विजन बना के रखो किसी भी स्टॉक को लेके, और उसके फंडामेंटल्स की और बात करूंगा तो उसके जो रिजल्ट्स हैं कंपनी के बहुत अच्छे, 20% प्रॉफिट इस बार कंपनी ने दिखाया, विच इज़ एक्सट्रीमली अनबीटेबल, अनबीटेबल है उस कैटेगरी में। तो इस टाइप के स्टॉक्स आपको पिक करने होते हैं, क्वालिटी चीज़ें लेनी होती है, ठीक है। अगर आप बेवकूफ़ जैसी चीज़ ले लोगे, वक्रंगी जैसा स्टॉक ले लोगे, या फिर ऐसे कुछ स्टॉक ले लोगे जो मैनिपुलेशन करते हैं, यूनिटेक जैसे स्टॉक्स ले लोगे जिनका कुछ है ही नहीं दुनिया में, तो आपको क्या होगा, आप बर्बाद हो जाओगे। तो इसलिए मार्केट में जो लोग बर्बाद होते हैं वो लोग बेवकूफ़ी के कारण बर्बाद होते हैं, या वो अपने पैसे गंवाते हैं अपनी बेवकूफ़ी के कारण। तो अगर आप भी बेवकूफ़ी करोगे तो आप भी पैसे गंवाने में आपको टाइम लगेगा, मार्केट में मार्केट उठा के ले जाएगा पैसे। पर अगर आपके पास थोड़ी भी थिंकिंग है, थोड़ी भी पावर है थिंकिंग की, तो बिल्कुल, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब, और यहाँ पास कुछ भी क्वेरीज जो भी है आपकी आप मुझे पुट कर सकते हो, मैं आपको काफ़ी अच्छे से इस चीज़ के बारे में, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं इस फील्ड में जो आपको मैं सिखाऊंगा चीज़ें आगे आने वाले वीडियोस पे। बट बेसिक्स मैं यही बताना चाहता हूँ, जो लोग बोल रहे हैं शेयर बाज़ार को सट्टा बाज़ार, वो नहीं है बिल्कुल भी। पहली चीज़ ध्यान रखो, क्योंकि ये रिलेशन इसका बेसिक फंडामेंटल से है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉलेज होनी चाहिए आपको मार्केट की, तभी आप समझ पाओगे। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप यही बोलोगे कि सट्टा बाज़ार है, ये है वो है, फलाना ठिकाना है। तो देखो, जो आदमी कुछ नहीं कर पाता वो यही बोलता है, और जो आदमी फेल हो जाता है वो यही बोलता है कि मैं फेल हो गया क्योंकि ये चीज़ ख़राब थी। वो अपने आप के अंदर कोई गलती नहीं निकालता, दैट इज़ अ वेरी बैड पॉइंट, बहुत गलत पॉइंट है। हमें हमेशा अपनी गलती माननी चाहिए, पर लोग वही मानते हैं। पर तो दैट इज़ वॉट माई पॉइंट इज़, कि आप लोगों की बातें मत सुनो, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ सीखना है तो आप
बिल्कुल आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, और बहुत सारी फीचर थीम चीज़ें हैं आपको जहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मार्केट एक बहुत ही इजी गेम है, और मार्केट से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कोई भी बिजनेस आज की डेट में आप स्टार्ट करते हो, 5 से 10 लाख रुपए एटलीस्ट बिजनेस चालू करने में लगता है। उसके बाद वो बिजनेस चले, लेबर चाहिए आपको, बहुत सारी चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद वो बिजनेस चले ना चले, दैट इज़ ऑल्सो गॉड गेम। लोग बोलते हैं ना सट्टा, दैट इज़ नॉट, ये मेरे हिसाब से बिजनेस भी एक सट्टा है अगर वो लोग ये बोलते तो। क्यों? क्योंकि बिजनेस में भी आपको पता नहीं कि आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, कुछ नहीं बोल सकते आप। दैट इज़ अ गॉड गेम, भगवान का खेल है, ठीक है। आपका बिजनेस चला नहीं चला, हम लोग भगवान को प्रे करते हैं ना, भगवान हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल जाए। क्यों प्रे करते हैं जब हम लोग को इतना कॉन्फिडेंस हो? हम लोग इसलिए प्रे करते हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं खुद भी नहीं पता होता कि हम कहाँ पहुँच जाएंगे, या कहाँ कितना ज़्यादा बिजनेस चलेगा भी कि नहीं चलेगा, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जो आप बिजनेस चालू करते हो उसमें लेबर लगती है, लेबर कॉस्ट है, उसके बाद लक है, लक भी रहता है फैक्टर, लक यानी भगवान का फैक्टर आपका, दूसरी तीसरी चीज़ आपका लेबर, उसके बाद आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस बिजनेस में। फिर जो आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, जो 5 लाख रुपए आपने व्यापार में लगाया है, उसको रिकवर करने में आपको कम से कम 3 साल 2 साल, या बहुत अच्छे से अगर आप करते हो तो आपको 1 साल तो एटलीस्ट लगेंगे ही अपना पैसा रिकवर करने में, उसके बाद आपका प्रॉफिट आता है। बट स्टॉक मार्केट एक ऐसा बिजनेस है, एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो एक इन्वेस्टमेंट फील्ड है जिससे आप तुरंत पैसे, इट इज़ अ मोस्ट लिक्विड बिजनेस, बहुत लिक्विड बिजनेस है, जहाँ आप तुरंत, आपने 10,000 रुपये लगाया, 500 का आपका तुरंत प्रॉफिट हुआ, तुरंत आपने निकाला, तुरंत आप पैसे कमाते हो यहाँ पर, ठीक है, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी फील्ड है, और दुनिया के सबसे अमीर लोग जो है वो स्टॉक बाय करते हैं। इंडिया का सबसे जो अमीर आदमी है अंबानी सर है, जो उन्होंने भी एच डी एफ सी का स्टॉक बाय किया हुआ है, उनका स्टेक है HDFC और HDFC बैंक में। तो आप अगर आप ये सोच रहे हो कि सट्टा बाजार है, तो वो जो बंदा बैठा हुआ है वहाँ पास, वो सट्टा बाजार ही नहीं करेगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ बताऊँगा, जो बंदे इतने बड़े बड़े बैठे हुए हैं वहाँ पास, जो उनके पास करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो लोग सट्टा बाजार सट्टा नहीं खेलते हैं। वो लोग दे आर प्रोफेशनल, वो प्रोफेशनल लोग हैं जो बिजनेस करते हैं। थैंक यू गाइज, एंड आई होप यू लाइक द माई वीडियो, और आप कॉमेंट करोगे और सब्सक्राइब करोगे, और प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना, बिकॉज इट मेरी फर्स्ट या सेकेंड वीडियो है इस चैनल की, और मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल थोड़ा और डेवलप हो, और आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी इसमें।